नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। रविवार को अगर आपने राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब का मैच नहीं देखा तो आपने एक बेहतरीन मुकाबला मिस कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि एक ऐसे क्रिकेटर जिनके बारे में क्रिकेट प्रेमी बहुत कम ही जानते हैं, जिन्होंने एक ओवर में 5 छक्के मार दिए हैं और बाजी पलट दी है। शारजाह के मैदान पर रविवार को अगर आपने राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब का मैच नहीं देखा तो आईपीएल का धाकड़ मुकाबला मिस कर दिया। वो मैच जहां रनों की सुनामी आ गई, वो मुकाबला जहां सिर्फ एक ओवर में 5 छक्के लगते ही बाजी पलट गई। ये कारनामा किसी नामी बल्लेबाज ने नहीं किया बल्कि 27 साल के एक ऐसे क्रिकेटर ने किया जिसके बारे में क्रिकेट प्रेमी बहुत कम ही जानते हैं। राहुल तेवतिया ने कॉटरेल के एक ही ओवर में 5 छक्के लगाकर राजस्थान को हारी बाजी में जीत दिला दी। ये वही तेवतिया थे जिन्होंने अपने पहले 8 रन 19 गेंदों पर बनाए थे। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है राजस्थान रॉयल्स के धाकड़ बल्लेबाज राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया सबसे पहले साल 2018 में खबरों में आए थे। उस वक्त 24 साल के तेवतिया को खरीदने के लिए आईपीएल के ऑक्शन में टीमों के बीच होड़ लग गई थी। उनकी बेस प्राइस सिर्फ 10 लाख थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी बोली 2.5 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। किंग्स इलेवन पंजाब जिसके लिए वो पहले खेलते थे, उसने तेवतिया को खरीदने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन आखिरकार दिल्ली डेयर डेविल्स ने तेवतिया को 3 करोड़ में खरीद लिया। लेकिन 2 सीजन के बाद यानी पिछले साल राजस्थान ने उन्हें अपनी टीम में ट्रेंडिंग के जरिए ले लिया। साल 1993 में हरियाणा में जन्मे तेवतिया ने साल 2013 में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था। वो पुराने अंदाज के लेग स्पिनर है जो गेंद को हवा में लहराना पसंद करते हैं। सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैच में उन्हें खेलने का मौका मिला है जहां उन्होंने 190 रन बनाए हैं, जबकि इस दौरान उन्हें 17 विकेट मिले हैं। तेवतिया ज्यादातर T20 और लिस्ट ए मुकाबले में खेलते हैं। अब तक वो 50 T20 मैच खेल चुके हैं। लिस्ट ए में उनका अधिकतम स्कोर 91 का रहा है। राहुल तेवतिया को पहली बार साल 2014 में राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में खेलने का मौका मिला था। इसके बाद पंजाब के लिए डेब्यू मैच उन्होंने 18 रन देकर 2 विकेट लिए थे। इसके अलावा उन्होंने इसी मैच में 8 गेंदों पर 15 रनों की पारी खेली थी। उन दिनों तेवतिया को ज्यादा मौके नहीं मिलते थे, लेकिन साल 2018 में दिल्ली की टीम में आने के बाद वो ज्यादा मैच खेलने लगे, लेकिन प्रदर्शन के मोर्चे पर वो कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए। T20 में तेवतिया की स्ट्राइक रेट 153 की है। शायद यही वजह है कि राजस्थान की टीम ने उन पर भरोसा किया और 4th नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा। मैच के बाद संजू सेमन ने बताया कि तेवतिया एक ऐसे बल्लेबाज है जो नेट्स पर काफी छक्के लगाते हैं और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट को पता था कि अगर वो पिच पर टिक गए तो फिर छक्के लगने की गारंटी है, और हुआ भी वही। उन्होंने 5 छक्के लगाकर राजस्थान को ऐतिहासिक जीत दिला दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।